डिस्क्लेमर, यह वीडियो काल्पनिक नहीं वास्तविक है। वीडियो को आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आपसे विनम्र निवेदन है, आप वीडियो को आखिरी तक देखें। धन्यवाद और आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, आई होप आप बढ़िया होगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू अनदर ब्लॉग वीडियो में। पिछले ब्लॉग वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया था, आई होप करता हूँ कि आप इस ब्लॉग वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दोगे। आज हम जाने वाले हैं चमड़खान टेंपल पे, वहाँ हरे गांव के परिवार वाले भोग लगाने वाले हैं। आपको ले चलते हैं सीधा मंदिर की ओर, दिखाते हैं आपको। पहले हम मार्केट जाएंगे, मार्केट से आपको दिखाएंगे, वहाँ से हमारे गांव की गाड़ी आएगी, गाड़ी में हम सीधा जाएंगे, दिखाएंगे आपको आगे का नज़ारा। चलिए चलते हैं। अभी गांव से हमारी गाड़ी आने वाली, देखते हैं कब तक आएगी, वेट करते हैं। जैसी गाड़ी आती है आपको दिखाएंगे, उसके बाद सीधा से आगे की ओर चलेंगे। दोस्तों गांव से हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब थोड़ा देर मार्केट में रुकेंगे, उसके बाद सीधा चलने की तैयारी होगी और दिखाते हैं आपको आगे का नज़ारा। दोस्तों चमड़खान टेंपल पर हम पहुंच चुके हैं, अब दिखाते हैं आपको टेंपल और हम भी देखेंगे, आप भी देखोगे। चलिए दिखाते हैं आपको टेंपल का नज़ारा। दोस्तों ये मंदिर कोयल देवता भगवान का मंदिर है। यहाँ पर माना जाता है कि जो भी सच्ची श्रद्धा से यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना सदैव पूर्ण होती है। चलिए चलते हैं, सीधा दिखाते हैं आपको आगे मंदिर का व्यू। We'll be right back.
दोस्तों हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं आगे की तैयारी। सबसे पहले भोग लगेगा और उसके बाद आगे की तैयारी होंगी वो भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। दोस्तों यह है मंदिर का हवन यज्ञ और अभी सामने से पूजा पाठ होगी। दोस्तों यहाँ पर सफाई का विशेषकर ध्यान रखा गया है। अभी यहाँ पर हवन यज्ञ और पूजा स्थल की लिपाई पुताई की गई है। दोस्तों मंदिर में जाली लगाई गई है क्योंकि यहाँ पर बंदरों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर बंदर भारी मात्रा में नुकसान कर देते हैं जिसका यहाँ पर जाली का प्रयोग किया गया है। दोस्तों मंदिर में भोग लग चुका है, अब कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर शिलापट लग चुका है। यहाँ पर हमारे दादाजी का नाम और उनके माताजी का नाम और उनके पिताजी का नाम लिखा गया है और उन्होंने जितनी भी धनराशि दी है यहाँ पर शिलापट पर लिखा गया है। दोस्तों मंदिर में भोग लग चुका है और प्रतिमा भी लग गई है और शिलापट पे नाम भी लिखा दिया गया है। अब सीधा घर को चलने की तैयारी हो रही है। सीधा चलते हैं घर को और घंटी बजा देते हैं। हमने घंटी और चल रहे हैं अब सीधा घर को। दोस्तों मंदिर में आके हमें बहुत अच्छा लगा। जय हो कोयल देवता भगवान की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।